नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं गरिमा श्रीवास्तव आपके साथ। ऑनलाइन गेम्स के जरिए इन दिनों धर्म परिवर्तन के मामले ने तूल पकड़ रखा है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में ऑनलाइन गेम के जरिए धर्मांतरण का गंदा खेल चल रहा था, जिसके बाद अब सरकार सतर्क हो गई है। सरकार ने मोबाइल वीडियो या फिर ऑनलाइन गेम को लेकर एक बड़ा ऐलान किया है। तीन तरह के ऐसे गेम्स जो यूजर्स को नुकसान पहुंचाती है या पहुंचा सकती है या फिर पहुंचा चुकी है, इस पर बैन लगा दिया जाएगा। सरकार ने कहा है कि हम ऐसे गेम्स की परमिशन नहीं दे सकते। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि हमने पहली बार ऑनलाइन गेमिंग को लेकर एक पूरी रूपरेखा रेडी की है, उसमें हम देश में तीन तरह के खेलों की परमिशन बिल्कुल भी नहीं देंगे। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ऐसे खेल जिनमें सट्टेबाजी शामिल हो या यूजर्स के लिए ये खतरनाक हो और जिसमें लत का एक कारक भी शामिल है, ये देश में बैन किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने हालांकि उन खास गेम्स की कोई लिस्ट अभी तक जारी नहीं की है। देश विदेश में कई ऐसे मामले सामने आए हैं जिनमें बच्चों में या फिर किसी भी व्यक्ति में गेम्स की लत ने उन्हें भारी नुकसान में पहुंचाया है। इसके साथ साथ ही हाल ही में AI को लेकर राजीव चंद्रशेखर का बड़ा बयान भी सामने आया था। AI के विकास से नौकरियां जाने की आशंका को खारिज करते हुए चंद्रशेखर ने कहा था कि अगले कुछ सालों तक AI की वजह से रोजगारों पर कोई खतरा नहीं है, लेकिन 5 से 7 साल में ऐसा हो सकता है। चंद्रशेखर ने कहा कि AI या किसी भी नियमन के प्रति हमारा दृष्टिकोण यह है कि हम इसे उपयोगकर्ता के नुकसान के नजरिए से कंट्रोल करेंगे। ये एक ऐसा दर्शन है जो 2014 से शुरू हुआ है कि हम डिजिटल नागरिकों की रक्षा करेंगे। हम डिजिटल नागरिकों को नुकसान पहुंचाने वाले मंचों को अनुमति नहीं देंगे। अगर वे यहां पे काम करते हैं तो वे उपयोगकर्ता के नुकसान को कम करेंगे। फिलहाल ऑनलाइन गेमिंग को लेकर तमाम बड़ी जानकारियां सामने आई हैं। ये लिस्ट जो गेम्स की है वो कब तक जारी होगी, इससे जुड़ी हर ताजा अपडेट्स आप सभी तक पहुंचाएंगे। बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। धन्यवाद।